जय हिंद, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग श्री राम प्रोटीन्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, कुछ लोगों का डाउट था, कुछ लोगों का सवाल भी था इसके ऊपर वीडियो लेके आने के लिए। तो इस वीडियो में समझेंगे कि इस स्टॉक में जो लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है कि गिरावट आखिर कब ठहरेगा, और दूसरे भाषा में कहें तो इसमें तेजी कब आएगी। क्योंकि देखिए, ये जो छोटे से कंपनियां होती है ना, इसमें बहुत सी रिटेल निवेशक का ही पैसा लगा होता है। इसलिए रिटेल निवेशक के प्रति मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि मैं खुद एक रिटेल निवेशक हूँ। मैं कोई HNI नहीं हूँ, बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ। तो चलिए इसको समझते हैं इस वीडियो में। श्रीराम प्रोटीन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कंपनी है एग्रो प्रोडक्ट्स बनाती है। एग्रो प्रोडक्ट्स मतलब खाने, सबसे पहले तो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चीजें हो गई, और उसके बाद खाने पीने के संबंधित, खाने पीने वाली जो चीजें हो जाती है FMCG में आ जाती है। लेकिन ये मेन रूप से FMCG में नहीं है, मेन रूप से इसको अगर हम कंसिडर करेंगे तो एग्रो प्रोडक्ट्स में ही इसको कंसिडर करेंगे। एग्रो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। इसमें देखेंगे तो कंपनी आपको एडिबल ऑयल, जो खाने वाली तेल होती है, और ये हर प्रकार के लगभग कह सकते हैं कि आपको तेल बनाते हुए कंपनी दिख जाती है। तो काम काज देखिए बहुत बढ़िया, तो इसका काम नहीं है, क्योंकि जिस सेक्टर की ये कंपनी है उसमें मंदी और तेजी दोनों ही चलते। तेजी थोड़ा कम आती है, लगभग देखें ज्यादातर इसमें रिसेशन ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ऑल टाइम ऐसा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर केसों में देखें तो काम के हिसाब से मैं इसमें खुश नहीं हूँ। इस काम के बेसिस पे कंपनी के शेयर प्राइस में लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा तेजी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल की। देखिए, 44 करोड़ के आसपास फंडामेंटल है, फंडामेंटल ओके है, लेकिन यहाँ पे जब आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं और ROCE देखते हैं तो ये आपको माइनस में देखने को मिलेगा। सामान्यतः दूसरी जो कंपनी है उनका भी ROE माइनस में होता है, लेकिन क्या होता है कि उस कंपनी में यदि ग्रोथ की संभावना होती है तो फिर ROE प्लस में फ्यूचर में हो जाता है। यहाँ पे मुझको बहुत ज्यादा ग्रोथ की संभावना इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे जब आप कंपनी के चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी का शेयर प्राइस एकदम अपने धरातल पे अभी देखने को मिल रहा है। मतलब धरातल पे कहने का मतलब कि जहां जाए इसने हाई बनाया था, अभी देखिए हाई से तो स्टॉक का प्राइस आपको नीचे ही देखने को मिला, और नीचे ही स्टॉक का प्राइस अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। जब इसको हम मैक्सिमम ओपन करते हैं तो मैक्सिमम देखिए इसका प्राइस गया था आपको 25-30 रुपए तक, और ये गया था 2022 के आसपास। उसके बाद से कंपनी का शेयर प्राइस डाउन आते गया, डाउन आते गया। तो जो इन्वेस्टर्स हैं एवरेजिंग करते गए। अब देखिए लोगों को क्या लगा कि ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ये जो लेवल है, या कह सकते हैं कि ये जो पूरा रेंज है कंसोलिडेशन रेंज है, इस रेंज में आके स्टॉक का प्राइस फंस जाएगा, समय बिताने लगेगा। लेकिन हुआ क्या कि इस रेंज में आने के बाद यहाँ से और ज्यादा बिकवाली होगी, और बिकवाली होने के बाद प्राइस और ज्यादा नीचे आ गया। अब होता क्या है कि बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर जब बढ़ जाता है तो रेंज बाउंड में स्टॉक फंसता नहीं है, उसके नीचे आ जाता है। तो अभी इसके नीचे आ गया, और इसके एक स्टेप नीचे आके देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस रेंज में स्टॉक का प्राइस आपको कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। जैसे कि मैंने चार्ट पर आपको बताया, ये जो लेवल है आपको 1 रुपए से 1 रुपए 20 पैसे के रेंज में आपको अभी स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। तो मेन सवाल है कि अब इसमें करना क्या है। देखिए, चूंकि स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में है तो उम्मीद है कि इससे बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर आएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो इसको आना चाहिए ऊपर। अब ऊपर आएगा तो जो लोग थोड़ा बहुत फंसे हुए हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट पे एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिलता है। और आपका अगर हाल फिलहाल में इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट किए तो आपका लॉस रिकवर होने के चांसेस रहेंगे। जो लोग एकदम टॉप पे बाय करके बैठे हैं उन्हें तो खैर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि इसके नीचे जाता है तो आपको बेच के निकल जाने में ही भलाई होगी, 1 रुपए से भी प्राइस इसका नीचे जाता है तब। देखिए, नए व्यक्ति अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करना काफी रिस्की है अभी स्टॉक का, और जो टेक्निकल डाटा बोल रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि इसका जो प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज था ना वहां पे नहीं फंसा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो अपने प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज में ही है, लेकिन ये तो अभी इसी साल का है ना। मैंने अभी आपको दिखाया लंबे टाइम फ्रेम पे कि इसका जो कंसोलिडेशन रेंज था वो एक स्टेप ऊपर था, यहाँ पे कहीं था। तो आपको इसमें नए व्यक्ति इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या करना है वो मैंने आपको जानकारी इसमें दे दी है। अब समझिए, जब आप इस कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर देखते हैं तो आप पाएंगे कि कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। कई क्वार्टर से तो यहाँ पे सेल्स ही कंपनी को नहीं हो रहा है, कोई सेल्स नहीं हो रहा है। यानी कि जब सेल्स नहीं हो रहा है तो कंपनी की जो कमाई है वह भी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी प्रॉफिट में तो है ही नहीं, कंपनी लॉस में है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और प्लस यहाँ पे जो आप देखेंगे कंपनी का कर्जा, तो कंपनी का जो कर्जा है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके ऊपर तकरीबन 36 करोड़ 94 लाख का कर्ज है, जबकि कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है तकरीबन 40-45 करोड़ के आसपास है, जैसे हमने शुरू में देखा था। तो अपने औकात के बराबर ही लगभग कंपनी के पास कर्जा है, जबकि कंपनी के पास जो रिजर्व पैसा होता है, रिजर्व पैसा देखिए बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। पहले 30-35 लाख के आसपास था, अभी कम हो गया जबकि अब कम हो गया 25 करोड़ के आसपास रह गया। तो जब कंपनी का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से कंपनी के पास पैसा आता है, तब कंपनी अपना रिजर्व बढ़ाएगी ना। यहाँ तो कंपनी के पास पैसा आ ही नहीं रहा, तो रिजर्व बढ़ेगा कहाँ से। और चूंकि कंपनी चलाना है तो खर्चे होंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी का जो लॉस है और जो डेप्ट है वो बढ़ते ही जाएगा।
इन्वेस्टर्स की यदि इसमें हम बात करें तो तकरीबन इसमें इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, तकरीबन 4% के आसपास इसमें इन्वेस्टर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं इस कंपनी के। अच्छी बात यह है कि कंपनी में विदेशी निवेशक में थोड़े बहुत जो इस बात का हौसला देते हैं कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के विजन है तो इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। बाकी पब्लिक हिस्सेदारी तो 91% के आसपास सही है। ओवरऑल देखिए, मैं पेनी स्टॉक के खिलाफ नहीं रहता हूँ, लेकिन श्रीराम प्रोटीन्स लिमिटेड को लेके मेरे मन में कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है। बाकी आपके मन में यदि इस रिलेटेड कोई अन्य सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन जो हकीकत है, मैंने इस वीडियो में वही बताने की आपको कोशिश करी है। कोई अच्छी अच्छी बातें बता के आपको बहलाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप खुद समझदार हैं आपको क्या करना है। बाकी जिस लेवल बाई करना है, सेल करना है, वो भी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। बहरहाल, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।